brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. पीएम मोदी का लक्षद्वीप दौरा और फिर मालदीव के साथ बयानबाजी और टकराव, इस बीच में अब लक्षद्वीप में चुनाव होने वाले हैं। लक्षद्वीप वोटरों के हिसाब से भारत की सबसे छोटी लोकसभा सीट है। लक्षद्वीप की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा गया है कि साल 2011 के आंकड़ों के अनुसार यहां पर कुल 64,000 लोग रहते हैं। 64,000 में से तकरीबन 33,123 पुरुष हैं, जबकि 31,350 महिलाएं हैं। यानी लमसम 50,000 वोटर एक सांसद के किस्मत का फैसला करते हैं। लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है जिसमें 36 द्वीप यानी आइलैंड है। अगर हम इसके पूरे द्वीप के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक जिला पंचायत है, यहाँ पर दो भाषाएं बोली जाती हैं और ये 2024 में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा। लक्षद्वीप को उसकी सुंदरता, सूरज को चूमते हुए समुद्री तटों और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में लक्षद्वीप सीट पर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने कब्जा जमाया था। इस चुनाव में एनसीपी के प्रत्याशी मोहम्मद फैजल को 22,851 वोट मिले थे, जबकि उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी हमदुल्ला सईद को सिर्फ 22,028 वोट मिले थे। यानी 823 वोटों से यहाँ पर सिर्फ एक प्रत्याशी ने चुनाव में जीत दर्ज की। लेकिन इस बार कहा यह जा रहा है कि मोदी लहर का फायदा यहाँ हो सकता है। यहाँ पर अब लक्षद्वीप को लेकर सरकार की जो प्लानिंग है उसको देखते हुए मोदी लहर का फायदा यहाँ पर एनसीपी के प्रत्याशी को हो सकता है। हाल के दिनों में राजनीतिक गलियारों में लक्षद्वीप की खूब चर्चा रही और ऐसे में अब लक्षद्वीप के युवाओं को राजनीतिक दलों से काफी उम्मीद है कि ये चुनाव उनके लिए अवसर सुविधाएं लेकर आएगा। लक्षद्वीप के सरकारी नर्सिंग कॉलेज के युवाओं से बातचीत के दौरान पता चला कि वहां पर जो समस्याएं हैं अब ये उनका समाधान चाहते हैं। ये हमारा बीएससी नर्सिंग का कोर्स है और मैं अभी सेकंड ईयर नर्सिंग स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। संजय जी, ये बताएं कि आप फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं और फर्स्ट टाइम वोटर हैं तो आपकी क्या, कितने एक्साइटेड है फर्स्ट टाइम वोट करने के लिए? देखिए, ये मेरा फर्स्ट टाइम वोट है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी मुझे थोड़ा सा है कि मतलब कैसे वोट करना है, लोग कैसे होंगे वहाँ पे, तो अभी फर्स्ट टाइम है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। देखिए, वैसे मैं यहाँ लक्षद्वीप से हूँ लेकिन हमारे साथ काफ़ी सारे बच्चे हैं जो बाहर से भी हैं, तो उनके लिए काफ़ी ट्रैवलिंग इश्यूज़ है, जैसे जहाज का काफ़ी कम है यहाँ पे और टिकट्स बहुत मतलब जल्दी मिलता नहीं है, तो वो थोड़ा इश्यूज़ है यहाँ पे जैसे शिप वगैरह का। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, आई एम वेरी एक्साइटेड एज आई एम बिकमिंग अ पार्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग एंड सेलेक्टिंग आवर लीडर्स हु आर गोइंग टू लीड आवर नेशन फॉर बिकमिंग ए supreme power. Student, when we are studying in Lakshadweep, it's a problem for us that as nursing students, we are not getting enough exposure to patients as the population is less and the health facilities here is less. So we are expecting that we can get a better posting in somewhere else outside Lakshadweep so that we can get more exposure to other cases and study well. कांग्रेस के लोकसभा कैंडिडेट मोहम्मद हमदुल्ला सईद कहते हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहां लक्षद्वीप में है। हालांकि चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर परिवहन का है, लेकिन कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार इस बात को उठा रहे हैं कि बेरोजगारी की वजह से यहां के लोग काफी परेशान हैं और जब हम यहां पर इस सीट को जीतेंगे तो हम इसके लिए बहुत सारा काम करने वाले हैं। फिलहाल रमजान के महीने में यहां पर चुनाव प्रचार रात में हो रहे थे और आपको बता दें कि 19 अप्रैल को पहले चरण में यहां पर वोटिंग होनी है, लेकिन बीते एक महीनों से यहां पर राजनीतिक दल रात में प्रचार कर रहे थे। यहां की बहुत बड़ी आबादी जो है वो मुस्लिम आबादी है, तो ऐसे में रमजान का महीना था तो रात में यहां पर काफी चहल पहल दिखाई दे रही थी और तमाम चुनाव में जो उम्मीदवार खड़े हैं वो रात में ही चुनाव प्रचार कर रहे थे। लक्षद्वीप की सीट को लेकर एनसीपी को बीजेपी का समर्थन है और इस बार बीजेपी अपना पूरा दमखम लगाएगी कि ये सीट जीत सके। फिलहाल कांग्रेस भी अपने पूरे जोर के साथ इस सीट को निकालने में लगी हुई है क्योंकि ये सीट 2024 में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रही। लक्षद्वीप में 55 पोलिंग बूथ हैं जो 10 द्वीपों में फैले हुए हैं। लक्षद्वीप में कुल 57,594 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। कांग्रेस उम्मीदवार हमदुल्ला सईद का कहना है कि लक्षद्वीप सैकड़ों किलोमीटर में फैला है जिसके चलते यहां चुनाव प्रचार में काफी परेशानी होती है। यहां पर जो कैंडिडेट्स हैं वो नावों से चुनाव प्रचार करते हैं। फिलहाल हमदुल्ला सईद लक्षद्वीप के दिवंगत सांसद पीएम सईद के बेटे हैं।
पीएम सईद लंबे समय तक लक्षद्वीप के सांसद रहे। हमदुल्ला सईद ने लक्षद्वीप में कनेक्टिविटी की समस्या को काफी प्रमुखता से उठाया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से महंगाई है, अब ऐसे में यहाँ पर जो नावें उन्होंने किराए पर ली हैं वो काफी महंगी हैं, लेकिन इस बार उन्हें उम्मीद है कि जब जनता के बीच वो अपनी समस्याओं को लेकर जाएंगे और उनकी आवाज को उठाएंगे तो जनता उन पर भरोसा दिखाएगी। फिलहाल यहाँ पर आमने सामने दो पार्टियां हैं, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ एनसीपी। और पिछली बार क्योंकि एनसीपी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी और इस बार एनसीपी के साथ बीजेपी का समर्थन है, तो ऐसे में लोगों का मानना है कि बीजेपी यहाँ पर एनसीपी को एक बढ़त के साथ ये सीट जो है निकाल सकती है। लेकिन कांग्रेस भी यहाँ कांटे की टक्कर में है, क्योंकि पिछली बार जो वोटों का अंतर था वो सिर्फ 823 वोटों के आसपास का अंतर था और ये अंतर कांग्रेस का दावा है कि वो इस चुनाव में खत्म कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।